हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे व्हाट इज ब्लैक लिस्ट सर्टिफिकेट इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस, और जो कि आपको प्रोवाइड करता है शिपिंग लाइन। बहुत लोगों ने नया पहली बार ये टर्म सुना होगा ब्लैक लिस्ट सर्टिफिकेट का, तो इसके बारे में देखेंगे इसका यूज क्या होता है। वीडियो बहुत सिंपल और शॉर्ट होने वाला है, तो एक एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करूंगा आपको। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट मैं ऐसे और नए नए वीडियो जो डिटेल में और यूनिक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ब्लैकलिस्ट सर्टिफिकेट क्या होता है बेसिकली, कि दो कंट्री का अगर वॉर चल रहा है, ट्रेड बंद कभी नहीं होता है, बट वो उस दौरान वहाँ से ट्रेड करना प्रेफर नहीं करते एक दूसरे के साथ। जैसे अभी रशिया का और यूक्रेन का हुआ है, तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि आपको ईरान में एक्सपोर्ट करना है और बीच में ईरान का और दुबई का वॉर होता है। सपोज करो लड़ाई चल रही है ईरान के और दुबई के, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, बट आपका कंसाइनमेंट भेजना आपको इंडिया से, तो इंडिया से ईरान पहुँचने के वक्त क्या पता वो जेबल अली से रुक के जा सकता है। होता है ना वाया वाया जो शिपमेंट पहुंचता है, डायरेक्ट वेसल होता है, और एक होता है कि दुबई में अपना सामान छोड़ के या तो वहाँ से नया कंसाइनमेंट लेकर आगे जाने के लिए। तो अगर ईरान में आपको माल भेजना है, कंसाइनमेंट आपका जो गुड्स भेजना है, बट आपका शिपिंग जा रहा है डायरेक्ट वाया दुबई, तो उस केस में आपका ईरान की जो गवर्नमेंट है वो आपका शिपिंग का कंसाइनमेंट नहीं लेगा। वो क्या कहती है कि हमको आपको शिपिंग लाइन से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक लिस्ट सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो शिप के ऊपर जो कंसाइनमेंट है वो पर्टिकुलर उस कंट्री में गया ही नहीं, मतलब उसके पोर्ट पे भी नहीं गया है, तो हमारा कंसाइनमेंट आपको डायरेक्ट यहाँ से आपके पोर्ट पे आया है। और जो ब्लैक शिपमेंट ब्लैक लिस्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो काम आता है आपके बायर को कस्टम क्लियरेंस के दौरान। अगर वो कस्टम क्लियरेंस के दौरान सर्टिफिकेट नहीं हुआ, हुका बाय क्रूक, आप उसका आपका बायर उसको कस्टम क्लियरेंस करवा ही नहीं सकता। तो एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है ब्लैकलिस्ट सर्टिफिकेट, जो आपको शिपिंग लाइन से लेना पड़ता है अगर दो कंट्री का वॉर चल रहा है, तो उसमें ये पता चल जाता है कि आपका कंसाइनमेंट आपके पर्टिकुलर शिप उस कंट्री से होके आया है या डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचा है। अगर उस कंट्री के थ्रू गया है तो आपको ब्लैकलिस्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ब्लैकलिस्ट सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आपको बायर को कस्टम क्लियरेंस करवाना है और वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि अपना शिप उस कंट्री में जाके नहीं आया है। तो ये सिंपल फंडा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे। आई होप थोड़ा सा नया कुछ समझने को मिला होगा आपको, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कुछ भी नया जानना है, सो यू कैन गिव मी अ कॉल। अब मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, 1-to-1 सेशंस होते हैं मेरे ट्रेनिंग के। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।